सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
शिव दूते स्वरूपेण आदित्य महाबले घोर रूपे महारामे नारायणे नमोस्तुते दशकरलवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणे नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुखे सुभे महारते महाविद्ये नारायणे नमोस्तुते मेधे सरस्वते वरे भूदेवा प्रभितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वरेभ्यस्वाहिनो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते एतत्ते वरणं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पादुनः सर्वभेदेभ्यः कात्यायणि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भेदे भद्रकाले नमोस्तुते हिणस्ति दैत्यतेजांसि स्वर्णापूर्जा जगत् साखण्डा पातु नो देवि पापेभ्यो नासुदानिर असुरा शिवसा पङ्कचर्चितस्य गुरुज्वः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता भयम् अरोगानशेषानपहांस्यतुष्टान् अरुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्सङ्ग्याकलनं त्वयाद्य धर्मान् द्विषां देवि महासुराणाम् अरूपेरनेकेन बहुधा त्वमूर्तिम् कृत्वाम्बिकेतात् प्रगलोति कन्याम् विद्यासुशास्त्रेषु विवेकदीपे श्रद्धेषु वाक्येषु चकात्वधन्यान् मम त्वगर्ते महान्धकारे विभ्रायते तदेव विश्वम् रक्षांसि यत्राग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदास बलानि यत्र धावानलो यत्र तथाभि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसि विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ति विश्वाशयाय वैभक्तिनम्राः देवीर्प्रसीद परिपालयनोर्भीते नित्यं यथा सुरवः तरुणैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवे विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनां मीडे लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणां वरं जन्मनस्य च ताम्रलब्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवावोजुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्योवाच वैवश्वतेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भश्चैवान्यामुत्पद्येते महासुरो नन्दगोपागृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव तदर्थौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथवीतले अवधेयः नेष्यामि व्यप्रसिद्धान् सुधानवान् भक्षयन्त्याशतानुग्रान् जयप्रसिद्धान् महासुरान् रक्तान्तावभीषन्ति ताडमेकुसमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहयिष्यन्ति सततां रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मणावृष्ट्यामणं भवति मुनिभिः संसुता भूमौ सम्भविष्यामि यो निजा ततः शरेण नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे भविष्यामि सुरा शाखैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यः भवेत् तत्रैव च भविष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं गृहीत्वा हिमाचले अरक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे शोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्ते लोके महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षट्पदम् त्रैलोक्यस्य गाथाय बलिष्यामि महासुरम् भ्रामरेति जमालोका सदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीयाहं करिष्यामि संशयः सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ विभूति का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान है आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें ॐ विद्युत्तामसमा प्रभा मृगपते स्कन्धासितां भीषणां कन्याभिः करवालकेटविलसत् हस्ताभिरासेभितां हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखाश्च चापङ्गुणं सर्जने विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्योवाच एभिस्तवे समा नित्यां स्वस्य देहः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्
मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् एतयिष्यन्ति एतद्वद्वदं शुम्भन शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चन दुष्कृतोत्थ न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेषवियोजनम् शत्रुतो न भयं दस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानरतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्महेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तयणं हितात् उपसर्गाणशेषासो महामारे समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन् मम यत्रेतत् पठते सम्यक् नित्यमायतरे मम सदा न सर्विमोक्षामि सान्निध्यं दत्त मे चितम् बलिप्रधाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चैतम् उच्चार्यं शाप्यमेव च जानता जानता भावे बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमां तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते जाजवार्षिके तस्यां महेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् हरिभुवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं दुंसं माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्महान् अवसर्गाः शमं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निभिर्दिशं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे चरिणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां विशेषाणां बलहानिकरं वरम् अरक्षाभूतविशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपेश गन्धदीपे सदोत्तमैः विप्राणां भोजने होमे मोक्षणीयैरहर्निशम् अन्येष विविधे भोगे प्रदाने वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते तस्मिन् सकृत्सुचरितेषु ते शुदं हरति पापाणि तथारोग्यं प्रयच्छति अरक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मणां कीर्तनं मम युद्धेषु संयं मे दुष्टचैत्याणि वर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसान्न जायते युष्माभिः सुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृता सासु प्रयच्छन्ति शुभामते अरण्ये प्रातरे वापि दावाग्ने परिवारितः दस्रुभिर्वाविदः शोणे गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रप्तो बद्धो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन सदा पोते महाण्डवे पदसूजापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरण्ममेतच्चरितं नरोमुच्चेत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य भो वैरिणस्तुतः दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम हरिषुवाच वितृप्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवि देवानिरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतार्यः दैत्याश्वदेव्याणे शुम्भो युधि जगद्विध्वंसणे तस्मिन् महाग्रे तुलविक्रमे विशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमायुः एवं भगवते देवे सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तैतन्मोयते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिराज विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्यासं तैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवश्रेष्ठे भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने
भवकालेन नाम सेवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिः तथा ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभा ओ अथ सिद्ध कुञ्जिका स्तोत्र शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूतं नापि ध्यानं च नान्यासो न जवार्जुनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवे देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वती मारणं वाहनं वर्षं सम्भनोचाटनाधिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हं झं लं झं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिषादिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च शुम्भासुरघातिनि जागृतं हि महादेवे जपं सिद्धिं कुरुक्ष मे हृङ्गारे सृष्टिरूपाये हृङ्गारे प्रतिपालिका हृङ्गारे कामरूपेणे बीजरूपेण मासुते चामुण्डा चण्डघाते च एकारे वरदायिणि विश्वेजाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां ध्रीं धूं धूयते पद्मे वां ह्रीं गों वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रों कालिका देवी शां श्रीं शोमे शुभं करो हुं 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 काररूपिणे जं 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 भणादिणि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवान्येते नमो नमः अङ्कं चण्डं तं पं यं षं ह्रीं धूं ऐं ह्रीं हं षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय गीतं कुरु कुरु स्वाहा पां भीं भूं पार्वते पूर्णा धां ह्रीं भूं खेचरे तथा सां ह्रीं सों सप्तशते देव्या मन्त्रसिद्धिं करुष्य मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोविदं रक्षपार्वते यस्तु कुञ्जिकया देवे हीनां सप्तशतिं पठेत् न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकं मे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्रारिदुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमाणस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्रारिदुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेकागतिरते विनिस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि त्रारिदुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगेः प्रभाते त्वमेकागतिरते नमस्ते जगत्तारिणि त्रारिदुर्गे अपारे महादुर्दरे चान्दघोरे विपत्सागरे भजतां देह
Thank you.
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस माँ जगजन्य जगत माता की कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि जो है, जो अक्षय तृतीया कहलाती ही और परशुराम जयंती। परशुराम जयंती के अवसर पर आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये बड़ा एक उत्तम दिन है, विशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि जो है, इसका बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है। मैंने प्रातःकाल ही बतलाया था ये तिथि जो है अक्षय तृतीया है। इस दिन जो है किया होगा पुण्य कर्म, जो है सत्कर्म, जो है स्नान दान जप पाठ, इसका जो है अक्षय फल होते हैं। इस पुण्य कार्य के दिन की यह पुण्य कर्म जो है इसका कभी नाश नहीं होता।
और ये बड़ी देव कृपा होती है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। उसी की कृपा होती है तो मनुष्य को ऐसे पवित्र स्थान पर जाकर के ऐसी परम पवित्र तिथि में पुण्य कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं जिसका अक्षय फल होता है। आज के दिन ही रात्रि के प्रथम पहर भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था, और आज के दिन ही जी तृतीय के दिन ही वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीय के दिन ही युगों में त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी तिथि को जो है विशाख शुक्ल पक्ष तृतीय को ही हयग्रीव अवतार हुआ था। आज के दिन ही जो चार धाम जो है जिनका शासन भरण मिलता है, उन चार धामों में बद्रीनाथ धाम के पट जो है आज के दिन ही खुलते हैं। भगवान बिहारी लाल के चरण दर्शन जो है जी वर्ष में एक दिन जो है आज के दिन ही होते हैं। जे तिथि जो है जे अक्षय तिथि विशाख शुक्ल पक्ष तिथि जो है तृतीय तिथि, जे बड़े ही विशेष तिथि, बड़ी महत्वपूर्ण तिथि ही, और इस तिथि में कि भगवान की आराधना जप पाठ स्नान दान जो है इसका अक्षय फल होता है। और जे स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, मैंने प्रातःकाल बतलाया था कि वर्ष में चार जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। एक तो जो है यक्ष तृतीय जो है विशाख शुक्ल पक्ष तृतीय जो है, इसमें आप बिना मुहूर्त पूछे जो है आप कोई भी कार्य करते कहते हैं उसमें परम सिद्धि प्राप्त होती है, पर स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, पूछने की जरूरत ही नहीं। दूसरा जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, स्वयं सिद्ध मुहूर्त। तीसरा जो है यह जो आश्विन का नवरात्र जो है शारदीय नवरात्रों में दशहरा दसवीं तिथि जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। चौथा मुहूर्त जो है वह दीपावली, ये चार वर्ष के जो है सिद्ध मुहूर्त बतलाए हैं जिसमें जो है कि वह पुण्य कर्म जो है उसका अक्षय फल होते हैं, और जो भी कार्य आप करते हैं उसमें परम सिद्धि जो है वह प्राप्त होती। बोलो सच्चे दरबार। तो आज के दिन जो है भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था, जन्म हुआ था। ये परशुराम जयंती जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है, और दक्षिण भारत में तो ये पर्व के रूप में जो है ये अक्षय तृतीया जो मनाई जाती है। और आज के दिन ही जो मैं आपको बतला रहा था हयग्रीव अवतार, जो भगवान का अवतार हुआ था हयग्रीव। हयग्रीव क्या होता है, जिसकी गर्दन जो है घोड़े की है और शरीर जो है वह मनुष्य का है। भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार जो है आज के दिन भगवान विष्णु ने यह हयग्रीव अवतार जो धारण किया था। चार भुजा है और घोड़े की गर्दन है। प्रातःकाल मैंने परशुराम की जन्म की कथा सुनाई थी, और क्योंकि इस कथा का बड़ा महत्व होता है, परशुराम जन्म की कथा का श्रवण करना जिससे पापों का नाश होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, दुख शोक जो है इनका नाश होता है, और मनुष्य सुखी होता है, सुख को प्राप्त करता है। और इसी प्रकार से यह हयग्रीव अवतार की कथा का श्रवण जो है श्रीमद् देवी भागवत में भी इसका वर्णन जो मिलता है हयग्रीव अवतार की कथा का जो है, और इसका श्रवण भी जो करना चाहिए, यह पाप नाशक कथा है। कहते कि एक बार भगवान विष्णु जो है 10,000 वर्षों तक देवताओं के साथ युद्ध करते रहे। 10,000 वर्षों तक उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध करते हुए इस प्रकार से अब उसको थकान महसूस हुई, जो वास्तव में इसी भगवती महामाया की लीला है। कब क्या होता है इसका पता नहीं चलता। भगवान विष्णु जो है उन्हें थकान महसूस होने लगी, और मन विचार हुआ मैं कहीं विश्राम करूं। वैकुंठ लोक में आकर के उन्होंने पद्मासन लगाया, और दंड के ऊपर जो है अपनी गर्दन रख दी, और अलसाने लगे
इस प्रकार से क्षण मात्र में ही वह योग निद्रा के अधीन होकर के सो गए। धनुष सामने रखा हुआ, उसके ऊपर गर्दन रखी है, पद्मासन लगाया हुआ है, उसके ऊपर गर्दन रख करके सो गए। उसी समय जो है देवता में जो विचार हुआ, हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ किस लिए कि हमारे सब कार्य जो ठीक प्रकार चलते रहें, स्वर्गलोक का राज्य जो है ठीक प्रकार से चले, कुछ लोक में विघ्न बाधन आए, उन विघ्नों को दूर करने के लिए यज्ञ करने का विचार हुआ। सभी देवगण एकत्रित हुए, इंद्रा देवगण जो है, ब्रह्मा भगवान शिव और विराजमान हैं, और सबने विचार किया कि यज्ञ करने के लिए पहले भगवान विष्णु के पास जाकर के उनका परामर्श लिया जाए, उनसे अनुमति ली जाए। तो सभी देवगण जो हैं वैकुंठ लोक में पहुंचे। भगवान विष्णु के स्थान पर जब पहुंचे तो वहां पर देखा भगवान विष्णु थे नहीं। फिर ध्यान लगा के देखा, जहां विराजमान थे उस स्थान पर जा पहुंचे। जब सभी देवगण वहां पहुंचे, देखा भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन जो है दंड के ऊपर गर्दन रख करके गहरी नींद में सो रहे। अब नींद में सो गए, उनका जगाना उन्होंने उचित समझा नहीं, तो प्रतीक्षा करने लगे कि जब भगवान विष्णु जगेंगे तो जो है उनसे पूछेंगे, परामर्श करेंगे। परंतु उन्होंने प्रतीक्षा की, भगवान विष्णु जगे नहीं। तब जो है देवता के राजा इंद्र ने कहा, महाराज कोई उपाय कीजिए, भगवान विष्णु को जगाइए। तब जो है भगवान शिव ने भी कहा कि यद्यपि किसी के नीर जो है नीर से उठाना जो है यह ठीक बात नहीं होती, पाप है, परंतु यज्ञ का कार्य है, यज्ञ संपन्न करने के लिए किसी प्रकार से कोई किसी उपाय से जो है भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। तब कहते कि उस समय ब्रह्मा ने भमरी नाम का कीड़ा जो था उसको उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी का वैसा करो, दंश की डोरी जो नीचे लगी हुई है इसकी तांत को आप काट दीजिए। डोरी कटने से दंश ऊपर की ओर उठेगा और उसके झटके से भगवान विष्णु जो है जग जाएंगे और देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा उस भ्रमरी नाम के कीड़े को उत्पन्न किया और उसको जो आज्ञा दी, परंतु उस भ्रमरी ने जो है ब्रह्मा से कहा, ये कार्य मैं क्यों करूं, भगवान विष्णु सो रहे हैं, ये पाप कर्म मैं क्यों करूं और किस लिए। कोई भी जीव कोई पाप कर्म करता है उसका उसमें कोई ना कोई निजी स्वार्थ होता है, फिर मेरा उसमें क्या निजी स्वार्थ, मैं क्यों पाप करूं, इसलिए मैं नहीं करता। तब ब्रह्मा ने कहा, देखो भमरे, हम आपको यज्ञ में भाग दिया करेंगे। यज्ञ करते समय जो है हवन जो है जो हवन कुंड के अगल बगल गिरता है, बाहर गिरता है, वह तुम्हारा ही भाग होगा, इसलिए बाहर गिरो हवन जो है वह कुंड में नहीं डाला जाता, वो भमरी का भाग है। इस प्रकार जब उन्होंने ये लोभ दिया और लोभ के कारण लोभ से ही पाप होता है, इस लोभ में आकर के भवन ने कहा मैं यज्ञ का भाग मिलेगा, तो उसने कहा अब ठीक है, अब मैं काट देता हूं। तो भमरी ने जो है जो दंश की डोर जो नीचे लगी हुई थी उसको काट दिया, तांत को जैसे ही काटा, और जो है कहते कि उस समय बड़ा घोर भयानक शब्द हुआ और सर्वत्र अंधकार ही अंधकार हो गया। ये सब देख करके सभी देवगण बड़े आश्चर्यचकित हुए, घबरा गए। तब जब अंधकार शांत हुआ, देखा तो भगवान विष्णु का सिर जो है धड़ के साथ है ही नहीं, भगवान विष्णु का सिर जो था धड़ से अलग हो चुका था, कहां पर है कुछ पता नहीं। सभी देवगण जो रोदन करने लगे, रोने लगे, ये क्या हुआ, भगवान विष्णु का सिर जो है कहां चला गया। तो कहते कि उस समय ब्रह्मा ने कहा, ये सब काल भगवान की प्रेरणा से होता है, काल की प्रेरणा से ही भगवान शिव ने एक बार ब्रह्मा जी कह रहे मेरा ही शीश काट दिया था, काल की प्रेरणा से ही इंद्र को जो है स्वर्गलोक के जाना पड़ा, स्वर्गलोक जो है उससे हाथ से चला गया और मानसरोवर में कमल की नाल में बहुत समय तक जो है कालक्षेप करते रहे, इसलिए ये सुख दुख जो आते जाते रहते हैं। भगवान विष्णु का शीश कट गया है,
किस लिए कटे हैं ये तो हम जानते नहीं, परंतु इस समय जो है एकमात्र ये माँ की शरण है, उस माँ भगवती की शरणक धोकर के उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, वो इस समय जो है हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। कहते कि उस समय ब्रह्मा ने वेदों को आज्ञा दी, कहा भगवती की स्तुति कीजिए, और वेदों ने देह धारण कर करके कहते उस समय माँ की स्तुति की, और माँ की जब स्तुति की तो जो भगवती आदि शक्ति जो है प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर के आकाशवाणी की कि देवताओं ये जो घटना घटी है, क्योंकि कोई भी कार्य जो बिना कारण नहीं होता, कोई ना कोई कारण होता है। भगवान विष्णु शिव जो है इस समय क्षीर सागर में लहरा रहे हैं कि देवताओं स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों बैठे हुए थे, परस्पर वार्तालाप हो रहा था। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के मुख की ओर देखा और हंस पड़े। मां लक्ष्मी की ओर जब उन्होंने देखा और हंस पड़े तो लक्ष्मी को बड़ा क्रोध हुआ। सात्विक गुण वाली लक्ष्मी जो है उसके अंदर तामसी शक्ति का समावेश हुआ, और मां लक्ष्मी क्रोधित हो गई, और क्रोधित होकर के उसने कहा तुम्हारा ये मुख गिर जाए, शाप दे दिया, तुम्हारा ये मुख गिर जाए। एक तो ये बात जो है शाप जी से धो रहा है, बिना कारण कोई कार्य होता नहीं। दूसरा जो है इस समय हयग्रीव नाम का कोई देते हैं जिसका शरीर मनुष्य का है और सिर घोड़े का है। ऐसा हयग्रीव नाम का देते जो है जिसने मेरी आराधना की तप किया, बड़ी घोर तपस्या के माया बीज का जप किया, और जिस स्वरूप का वह ध्यान कर रहा था उसी स्वरूप में मैंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसे दर्शन दिए, सिंह के ऊपर विराजमान होकर के उसे दर्शन दिए और उसको वरदान मांगने के लिए कहा था। बड़ी घोर तपस्या की उसने और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने उसे दर्शन दिए, और जब उसको वरदान मांगने के लिए मैंने कहा तब जो है उस हयग्रीव नाम के दैत्य ने जो है कहा कि माँ मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, मैं अजर अमर हो जाऊं, मुझे कोई भी जो है युद्ध पराजित न कर सके, मुझे कोई मार न सके, इसलिए मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, अर्थात मेरी मृत्यु न हो और ना ही मुझे युद्ध क्षेत्र में कोई देवी देवता पराजित कर सके। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसा वरदान जब उसने मांगा तो माँ भगवती ने कहा देखो अब जिसका जन्म है उसका मरण जो है निश्चित है, और जिसका मरण उसका जन्म भी है, इसलिए सोच विचार करके वरदान मांगिए। तब उसने कहा कि हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु होनी चाहिए, क्योंकि जानता था मेरा जैसा कोई संसार में सृष्टिपत्र लोकी में है ही नहीं। हयग्रीव ने कहा कि जो मेरे ही जैसा हो, हयग्रीव जिसकी गर्दन घोड़े की हो, शरीर मनुष्य का हो, वही मुझे मार सकता है, दूसरा और कोई नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। तो माँ ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा। एक तो जीवी वरदान जैसे धोने वाला है, क्योंकि इस समय त्रिलोकी में उसने इतना आतंक है उसका, त्रिलोकी में हाहाकार मचा होगा और उसको कोई मार ही नहीं सकता, हयग्रीव उसको मार सकता है, इसलिए घोड़े का शीश लेकर के आप भगवान विष्णु के धड़ के साथ जोड़ दीजिए, और ये कार्य जो ब्रह्मा जी संपन्न करेंगे, जैसे हयग्रीव अवतार होगा और भगवान जो है उस दैत्य से युद्ध कर करके उसकी जीवन लीला समाप्त करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। उस दैत्य ने जो है जब मां से वरदान प्राप्त कर लिया और मां वरदान देख करके अंतर ध्यान हो गई, तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वो जगजनी जग माता जो है आदि शक्ति से मैंने वरदान प्राप्त कर लिए है, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, देवता उसी शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं तो अपना अपना कार्य करने में सिद्ध होते हैं। आज मैंने उस शक्ति की उपासना करके, क्योंकि देवते भी इसी शक्ति की उपासना करते हैं, देवता भी मधु केतु ने इसी भगवती की आराधना की थी तब किया था, और इस मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था। और जब जो है शक्ति संपन्न होकर के वो शक्ति दुरुपयोग करते हैं तो विनाश का कारण होता है, यही विनाश का कारण होता है। अब असुर जो था
माँ से वरदान प्राप्त कर लिया, माँ वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए और बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने उस भगवत आदि शक्ति से वरदान प्राप्त कर लिया, अब मुझे कोई मार सकता ही नहीं, क्योंकि मेरे जैसा कोई होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, और मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी तो मैं तो देवताओं को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए उन्हें त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसको कोई पराजित कर नहीं सका। और इस प्रकार से उस समय वह विचार करने लगा कि मैंने मां को यज्ञनी को ठग लिया। बहुत सारे ऐसे होते जब व्यक्ति जो है शक्ति संपन्न हो जाते हैं, चाहे धन शक्ति से, ज्ञान शक्ति से, अन्य शक्ति युक्त हो सकता है, हो जाते हैं, तब यही सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा ही रहेगा, धन संपत्ति जो है ये समाप्त नहीं होगी, ये बढ़ती ही जाएगी। देखिए हर चीज का जो है अंत है, हर जीव का अंत है, हर वस्तु का अंत है। इसी प्रकार से लक्ष्मी जो ये भी चंचला है, जे आती है चली जाती है, हर समय जो कहते हैं कि एक ही स्थान पर नहीं रहती है, चलती रहती है, इसका समय आता है, अच्छा समय होता है, माँ की कृपा होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, तो कहते हैं कि उस समय जब देवी की कृपा हो जाए और सब प्रकार की अब शक्ति संपन्न हो जाए, उस शक्ति का सदुपयोग कीजिए। समय का पता नहीं कब बदल जाए, परंतु जब ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो जो है उसकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो शक्ति का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग करोगे तो विनाश होगा, सदुपयोग करोगे तो कल्याण होगा। तो उसने जब से सोचा अब मुझे को पराजित नहीं कर सकता, इसी कारण से उसने अत्याचार करना शुरू किया, बुरे कर्म करना शुरू किए, इसलिए वही पाप जो है वही विनाश का कारण होता है, शक्ति का दुरुपयोग करना। अब जो है माँ भगवती ने देवता से कहा कि आप जो है घोड़े का शीश लेकर के आप भगवान विष्णु के धड़ के साथ जोड़ दीजिए और हरिग्रीव अवतार होगा और भगवान जो है जी उद्दित का युद्ध करके उसकी जीवन लीला समाप्त करेंगे। तो ये आज का ही दिन था, वैशाख शुक्ल पक्षी तृतीया का दिन जो है, आज के दिन जो है भगवान विष्णु जो थे हरिग्रीव इनका अवतार हुआ था, ब्रह्मा ने इनके धड़ के साथ घोड़े के शीश लगा करके जो है ये कार्य संपन्न किया था। और आज के दिन जो भगवान जो है हज गुरु के रूप में जो है ये अवतरित हुए थे। बोलो सच्चे दरबार की जय, हज गुरु भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए ये कुछ ऐसी विशेष तिथि होती है, विशेष दिन होते हैं जिसमें कई भगवान की विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ जिसका अनंत गुणफल होते हैं, तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भक्तों को आज इस अक्षय तृतीया के दिन जो है इस जगजन्य जत माता के दरबार में आकर के माँ के चरण में बैठ करके इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके आरती के समय इस शक्ति की उपासना करने का, माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। ये मंत्र जो है परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन साधना करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इस दिव्य पिंडी ग्रह में माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों पर इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है। और जिन भक्तों पर इन तीनों देवियों की, इन तीनों शक्तियों की कृपा होती है, उनकी जीवन कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती, उन्हें शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है, निरोगी जीवन उन्हें प्राप्त होते हैं, धन लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान शक्ति की प्राप्ति, तीनों शक्तियां निरोगी काया, धन लक्ष्मी की कृपा, माँ का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और माँ सरस्वती की कृपा, ये तीनों शक्तियां उन्हें प्राप्त होती हैं। और जिन तीनों शक्तियों से युक्त होते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी आती नहीं, वह अपने जीवन में सब सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी कल्याण में हो जाता है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
तभी भजन की बेला नवेदन करा श्री विजय कुमार से माँ के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। आपसे भक्त संकीर्तन में सहयोग देना सब मिलकर उन्हें ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार जयकारा शेरा वाली सच्चे दरबार चरना दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा चरना दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा चरना दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा चरना दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा मिया जो भगतो कर लो नी दीदार दाती दा आजो भगतो कर लो दीदार दाती दा मिया जो भगतो कर लो ए दीदार चरना दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा चरना दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा आजो पंगो कर लो ए दीदार दाती दा आजो पंगो कर लो ए दीदार दाती दा आजो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा आजो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा ताली सभी हाथ खुल कर ढीले ताली नहीं ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुंचे। एक बार सही भक्त जन आपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें आपके झोलिए भरे आपके मुरादे पूरी करें आपका जीवन खुशी से भद्र कर दें। रल मिल सारे अज ताड़िया बजा लवो ताड़िया बजा लवो ताड़िया बजा लवो कोरल मिल सारे अज ताड़िया बजा लवो ताड़िया बजा लवो ताड़िया बजा लवो ओ शेरा वाली मैया दिया बेटा अज गा लवो बेटा अज गा लवो बेटा अज गा लवो ओ शेरा वाली मैया दिया बेटा अज गा लवो बेटा अज गा लवो बेटा अज गा लवो ओ धरती जीना कीता ए सत्कार दाती दा धरती जीना कीता ए सत्कार दाती दा दिया जो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा आजो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा आजो भगतो कर लो दीदार दाती दा आजो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा नच नच मादर मानु मना लवो मानु मना लवो मानु मना लवो ओ नच नच मैया दर मानु मना लवो मानु मना लवो मानु मना लवो ओ दाती दिया रंगा विच रूहानू रंगा लवो रूहानू रंगा लवो रूहानू रंगा लवो ओ किन्ना सोना सजया ए दरबार दाती दा किन्ना सोना सजया भक्तो कर लो ए दीदार दाती दा आजो भक्तो कर लो ए दीदार दाती दा ओ चरणा दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा चरणा दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा नी आजो भक्तो कर लो दीदार दाती दा आजो भक्तो कर लो ए दीदार दाती दा उच्चिया पहाड़ा विच शेरा वाली बस दी शेरा वाली बस दी शेरा वाली बस दी उच्चे पहाड़ा विच शेरा वाली बस दी शेरा वाली बस दी शेरा वाली बस दी ओ पगता प्यारिया नू बड़ी सोहनी लगदी बड़ी सोहनी लगदी बड़ी सोहनी लगदी ओ किन्ना सोहना किन्ना सोहना लगदा ए शिंगार दाती दा किन्ना सोहना लगदा ए शिंगार दाती दा दिया जो भगतो कर लो दीदार दाती दा आजो भगतो कर लो ए दीदार दाती दा ओ चरणा दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा चरणा दे विच बह के मिलना प्यार दाती दा
राजो भक्तो कर लो ए दीदार दाती दा राजो भक्तो कर लो ए दीदार दाती दा सूर्य दिया तारानू मानल जो लवो मानल जो लवो मानल जो लवो होवा पते नान मैया दर मो लवो मैया दर मो लवो मैया दर मो लवो उसारे उत्ते हो आए उपकार दाती दा जकारे आज लालो दिल खोल के लालो दिल खोल के ओ मां दे जकारे आज लालो दिल खोल के लालो दिल खोल के लालो दिल खोल के ओ जम जमा खलवे मेरे वांगू बोल के मेरे वांगू बोल के मेरे वांगू बोल के ओ चरना दे दुख बैठा सेवा दार दाती दा सेवादार जो भक्तों कर लो दीदार भाती जो भक्तों कर लो दीदार चरणा दे विच बह के मिलना प्यार भाती चरणा दे विच बह के मिलना प्यार भाती वो चरणा दे विच बह के मिलना प्यार भाती चरणा दे विच बह के मिलना प्यार भाती जो पक्को कर लो ए दीदार दाती दा 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 जो पक्को कर लो ए दीदार दाती जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय श्री यशवंत जी जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय तू भी हो माता पिता तू भी तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही
लगाए रखना तुम्ही हो बंधु सखा लगिया ने मौज लगाई रखी दातिए लगिया ने मौज लगाई रखी दातिए लगिया ने मौज लगाई रखी दातिए चंगे हाके मंदे हानी भाई रखी दातिए चंगे हाके मंदे हानी भाई रखी दातिए वो चंगे हाके मंदे हानी भाई रखी दातिए चंगे हाके मंदे हानी भाई रखी दातिए वो लगिया ने मौज लगाई रखी दातिए लगिया ने मौज लगाई रखी दातिए वो लगिया ने मौज लगाई रखी दातिए लगिया ने मौज लगाई ओ चंगे हक मंदे हानी भाई रखी दातिए चंगे हक मंदे हानी भाई रखी दातिए ओ चंगे हक मंदे हानी भाई रखी दातिए चंगे हक मंदे हानी भाई रखी दातिए ओ लगिया ने मौजा लगिया ने मौजा लगाई रखी दातिए लगिया ने मौजा लगाई रखी
दादे लकिया ने मौजा लगाई रखी दादिए मौजा लगाई रखी दादिए तेरा नाम लेके मैया शान में भी पाइए तेरा नाम लेके जान में भी पाइए तेरा नाम लेके मैया शान में भी पाइए तेरा नाम लेके सदा शान में भी पाइए तेरे हाथ तोड़ते आपे तू चढ़ाइए तेरे हाथ तोड़ते आपे तू चढ़ाई माँ तेरे हाथ तोड़ते आपे तू चढ़ाइए लकियां ने मौजा लगाई रखी दादिए ओ चंगे हक मंदे हानी भाई रखी दादिए 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 मौजा लगाई रखी दादिए मौजा लगाई रखी दादिए लगिया ने मौजा लगाई रखी दादिए मौजा लगाई रखी दादिए अपना दुखड़ा सुनाया नहीं मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं मैं अपना दुखड़ा सुनाया तेरे बाजू किसे मैनू गल नाल लाया नहीं तेरे बाजू किसे मैनू गल नाल लाया तेरे बाजू किसे मैनू गल नाल लाया नहीं तेरे बाजू किसे मैनू गल नाल लाया ते मां गल नाल लाया ते लाई रखी दादिए गल नाल लाया ते लाई रखी दादिए ओ चरनी जे लाया ते लाई रखी दादिए चरनी जे लाया ते लाई रखी दादिए मां चंगे आके मंदे हानी भाई रखी दादिए चंगे आके मंदे हानी भाई रखी दादिए चंगे आके मंदे हानी भाई रखी दादिए लगिया ने मौजा लगाई 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 रखी दादिए तेरे दर दा मैं आपे ही गुलाम हां 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 ओ लोकी कहंदे खास मैं ते आवा तू भी आम हां लोकी कहंदे खास मैं ते आवा तू भी आम हां लोकी कहंदे खास मैं ते आवा तू भी आम हां लोकी कहंदे खास मैं ते आवा तू भी आम हां ओ परदा जे पाया ते परदा च पाया ते पाई रखी दादिए परदा च पाया ते पाई रखी दादिए ओ नाम तेरा लैंदा रवा सुबह ते शाम मैं नाम तेरा लैंदा रवा सुबह ते शाम मैं एदे नालों वध होर लैंदा की नाम मैं एदे नालों वध होर लैंदा की नाम मैं ओ दास जे बनाया दास जे बनाया ही बनाई रखी दादिए लगिया ने मौजा लगाई रखी दादिए लगिया ने मौजा लगाई रखी दादिए चंगे हाके मंदे हानी भाई रखी दादिए चंगे हाके मंदे हानी भाई रखी दादिए लगिया ने
ने लकिया ने मौजा लगाई रखी दातिए लगाई रखी दातिए लगाई रखी दातिए लगाई रखी दातिए जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की दा सरगंगन भेन मृदंग शंख जरे ननादेर पगे अमाना कोलाहल कलिता तवस्त विद्या दर नृत्य कला सखाया सचिया ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय मां भगवती की असीम अनुकंपा सी आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में ही माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यकर्मी हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेष से आज अक्षय तृतीया के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का ये जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ ही माँ भगवती वैष्णो देवी की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो आप उत्तरोत्तर उन्नशील हो उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें आपकी दीर्घायु करें आपके कारोबार वृद्धि करें सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वहर्षाधिक शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान सस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूरिभूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे व्यारि गर्भदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पादमनिर्दह सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात् शुभमानम हीयते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सर दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सही भक्ति जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोलना ताली बजाते होंगे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय पुष्प गल माला
Come on.
अपराध घर रमाया हूँ। माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया हूँ। देवों के सब संकट तारे कबीर मधु कैटव हमारे शुंभ निशुंभ सुर संहारे शुंभ निशुंभ सुर संहारे भगत कल्याण शरण माया बालक पन खेलों में गवाया फल बनाओ शरण माया हूँ। धन यौवन का साथ नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है, काम बड़ा नहीं, काम बड़ा नहीं, काम बड़ा नहीं, काम बड़ा नहीं, नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया, नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया। धर्म मार्ग मुझको न सुहाते, सदा कुमार अब मुझको भाते, मन चंचल तेरा ध्यान न करता, बड़ा चपल ना दान शरण माया हूँ। घर बाहर से हूँ ठुकराया, भटका घबराया, समय गवा कर मैं पछताया, विषय सर्प मन नजा नर रमाया, माँ विपदा ने मुझे हघेरा, बिन तेरे अब कोई न मेरा, करो सफल निज नाम शरण माया हूँ। क्षमा करो अपराध शरण माया। परम पूज्य पुजारी जी, माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, दरबार की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, समझ करके बोलना। देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विजो जहि, यशो देहि द्विजो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं
ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। कार्य करो हमेश जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैयाच पहल चौसठ घड़ी योजना धाद्रान जय मां। मध्युतिमा च पादशुका देवे महाकालिका
ಚಾಂಬಸ್ತು ಸುಮಿರೇಹರು ಕಮಲಜು ಕಂತುಂ ಅದೂತೇ ಕಮಂ ಅಕ್ಷಾಸುರ್ಪರುಷಂ ಗಲೇಶು ಪುರುಷಂ ಪರಮಂ ಧನುಷ್ಕುಂಡಿಕಾಂ ದಂಡ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂಹ ಧರ್ಮ ಜಲಜಂ ವೆಂಟಾಸುರಾವಾಜನಂ ಶೂಲಂ ಪಾಶದು ದರ್ಶನೇ ಜಗತೇ ಹಸ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನಾಯಣಾಂ ಸೇವೇ ಸೇವಂ ಭರ್ಜನೀ ಮೇವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರೋಜಸ್ಥಿತಾಂ ಘಂಟಾಶೂಲಹರಾಣಿ ಸಂಗಮಸರೇ ಚಕ್ರಂ ನನು ಸಾಯಕಂ ಆಚಾರ್ಯಂಗಳಾಂಗಮಿಲಚ ಶೀತಾಚದುಲ್ಯಪ್ರಭಾಂ ದೋರೇ ದೇಹ ಸಮುದ್ರಭಾಂ ತ್ರಿಲಗತಾಂ ಆಧಾರಭೂತಾಮಹ ಪೂರ್ವಾಮಸ್ತ ಸರಸ್ವತೀ ಮನುಭಜೇ ಶಂಭಾದಿ ದೇತ್ಯಾಚನೆ ತುಮೇವ ಮಾತಾ ಸವಿತಾ ತುಮೇವ ತುಮೇವ ಬಂಧುಸಹ ತುಮೇವ ತುಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದೈನಂ ತುಮೇವ ತುಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಹದೇವ ದೇವ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭಜಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಜೋಗವಿದ್ಯಾನಭಂಗಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವದಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಗಣಾಕಂ ಭಕ್ತಂ ಕೇಶವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶಿಶುದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಕೃತಿಕಾಕಲ್ಯಂ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮತೋರೇ ಜಾನಂ ಪದೇ ವಿದ್ಯಾಪದೇ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಾ ಭಾರಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಪಂಚಕೂಲಾ ರಾಣಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಚಂದ್ರತಾ ಬಲಾ ಕನ್ನ ಭಾರಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಕಾರಿ ಸಂಸಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೇನ ಭಾರಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಕುಲಾ ಚುಕಾ ಮಾಫ್ ಕನ್ನ ಭಾರಿ ಮಾತಾ ತೇರಿ ಸದಾ ಲೋಂಕರಾ ಭೀಠಾ ಗೋ ತೇರಿ ಸದಾ ಬಲತಕ್ಕೆ ದರ್ಬಾರ ಜೀ ಜಯ ಧರ್ಮ ಕೀ ಧರ್ಮ ಕೀ ಧರ್ಮ ಕೀ ಧರ್ಮ ಕಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಮೇ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಮೇ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಮೇ ವಿಶ್ವ ಕಾ ವಿಶ್ವ ಕಾ ವಿಶ್ವ ಕಾ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಗುರು ಬಾಬಾ ಶ್ರೀ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೀ ಜಯ ಗೋ ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ ಬೋಲ ಸಚ್ಚೆ ದರ್ಬಾರ ಕೀ ಜಯ ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕೀ ಜಯ ಬೋಲ ಸಚ್ಚೆ ದರ್ಬಾರ ಕೀ ಜಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ, ಸಬ್ಕಿ ಮನೋಕಾಮನಾ ಪೂರಿ ಹೋ, ಜಕರ ಶರವಾಲಿದಾ.